और इसी में लंच पैक करके दे। चिपकली क्या हो गया? 8 इंच पहने की डायमंड के थप्पड़ मारूंगी तूबा के कान में। हम इयररिंग्स देखेंगे ना, दोनों भाइयों को कोट पैंट पहनाऊंगी। अयान की फ्रेंड अयानिका, पता नहीं किसने कहाँ चुरा ली। तो पायल ने ना केस की जो फर्स्ट मूवी थी ना वो एनिमल थी। हमारे घर में कंजक आई है छोटी सी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ। क्यों उठ चुकी हूँ आप सबको पता है, क्योंकि चीकू को जाना होता है स्कूल, तो मैं उठ गई हूँ। अभी टाइम हो गया है 8:30 और बस चीकू के लिए फटाफट से आज उसे खानी है मैक्रोनी, तो मैक्रोनी बना देती हूँ और उसके बाद उसे उठाती हूँ फिर नहलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसका बैग ऑलरेडी कल रात को ही पूरा ना क्लीन कर दिया था। अंदर से बैग बहुत ज्यादा गंदा था, क्योंकि बच्चे ना कुछ भी कोई ऐसे ऐसे डालते रहते हैं, ले लेके छिलके पेंसिल ये वो। तो मैंने पूरा बैग जो है कल रात को साफ किया। तो कल जब चीकू स्कूल से आया था ना, उसकी यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा गंदी थी। तो फिर हमारे को दीदी ने बताया कि यूनिफॉर्म नहीं है दीदी। मैंने कहा यूनिफॉर्म नहीं है? मैंने कहा 3 जोड़ी है। कह रही दीदी 3 जोड़ी तो नहीं है, 2 ही जोड़ी है, 1 जोड़ी ये पहन के गया था, 1 जोड़ी कल गंदी हो गई। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैंने लॉन्ड्री पे कॉल किया, मैंने कहा हमारे चीकू की 1 जोड़ी ड्रेस हो गई आपके पास? तो उन्होंने बोला आपके 2 ऑर्डर हमारे पास है, मैं चेक करता हूँ। मैंने कहा अगर उसमें है तो मुझे ऑन द स्पॉट दे के जाओ। तो कल रात को ही वो जो है यूनिफॉर्म दे गए थे मुझे। तो सारी यूनिफॉर्म मैंने इसी कमरे में रखी हुई थी। सबसे पहले ना इसके जूते पॉलिश कर देती हूँ। जूते पॉलिश करने के बाद फिर कटिंग चॉपिंग करूंगी मैक्रोनी के लिए। तो यहाँ पे मैंने उसकी मैक्रोनी में तड़का लगा दिया। मैक्रोनी बॉइल करके रख दी है, साथ में उसके चॉकोस मैंने रेडी कर दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ घी से चलाने, और घी से चलाने के बाद पानी गर्म करके उसे उठाती हूँ। तो यहाँ पे चीकू की मैक्रोनी हो गई है रेडी, पानी गर्म हो गया है। पानी बाल्टी में निकालती हूँ और फटाफट से उसे रेडी करती हूँ। तो चीकू के लंच में आज फ्रूट में है एप्पल, क्योंकि बनाना खत्म थे तो मैंने एप्पल कट कर दिया। मैक्रोनी और उसके फेवरेट चॉकोस और साथ में है उसका केचप। तो ये वाला बैग इसमें बहुत अच्छा निकला चीकू का, ये ना खराब नहीं हो रहा है, आराम से इसमें जो है इसका सामान ठीक रहता है चीकू का। तो ये वाला बैग तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगी कि आप अपने बच्चे के लिए ले और इसी में लंच पैक करके दे। तो ये है इसका लंच का बैग, ये है स्कूल का बैग। तो यहाँ पे मैंने सॉक्स बेल्ट उसका वेस्ट अंडरगार्मेंट हुडी और ये सब निकाल लिया है, सब निकाल के इकट्ठा कर लिया। और पानी जो है गर्म ज्यादा हो गया था तो मैंने उसमें मिक्स किया। अभी पानी मिक्स होने के बाद ही उसे उठाती हूँ, दूध उसे पिला दिया सोते सोते। चीकू उठो बच्चे, स्कूल जाना, उठो चलो। नीना पूरा हो गया, चलो खड़े हो, लेट हो जाओगे फिर। 2 मिनट नहीं होते बेटा, खड़े हो। तो कल रात को थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि हम इसे ले गए थे बाहर अयान को और इसको कुछ खिलाने पिलाने, तो 11 बज गए थे। तो मैंने इसको अभी 9 बजे तक सोने दिया कि अब इसकी नींद पूरी हो जाएगी। अभी भी 2 मिनट कर रहा है, कोई बात नहीं 2 मिनट बाद फिर उठाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी पानी की बॉटल भी जो है वो रेडी कर दी है, और मैंने कल भी बताया था ये बॉटल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं अपने लिए भी ले आऊँ। तो आज अगर टाइम मिला ना बाहर जाने का, मार्केट जाने का, तो मैं बॉटल ले आऊँगी, एक बार फिर उठा के देख लेती। 2 मिनट तो हो गए इसके। चीकू चीकू 2 मिनट हो गए बेटा, खड़े हो। चीकू गुड मॉर्निंग कर दो। आप तो स्कूल रोज जाते हो, चलो खड़ो फटाफट खड़े हो, चलो 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 चीकू खड़ा बेटा, वापस मत ले, टाइम हो जाएगा फिर, खड़ा। तो मैंने इसको अपनी चप्पलें दी, मैंने कहा ठंड लग जाएगी, फटाफट चप्पल पहन, नहा और स्कूल के लिए रेडी हो। दोस्त नहीं बनता। कौन सा दोस्त? नविश। अच्छा, जब टॉय लेके जाते तो दोस्त बनता है, जब नहीं लेके जाते तो नहीं बनता है। हाँ जी, पर आपको टॉय नहीं लेके जाना चाहिए ना, स्कूल में गंदी बात है ना। हाँ, खाने का लेके जाती हूँ। कल मैंने आपका पूरा बैग क्लीन किया, इतना गंदा हो रहा था बहुत ज्यादा, कल रात को किया, बहुत सारी पेंसिल्स सब सेट कर दिया। The national flag of India was designed by Pingali Bhatt. मैं बोल दूंगा। The national flag of India designed by Pingali Venkya. Venkya. Very nice. ठीक है, It is a three color flag. अशोका चक्र, saffron white green, अशोका चक्र। अशोका चक्र में लपटी है जहाँ उठ गया भाई, आए 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 आए, कैसे उठ गया आई तू? बारिश हुई नहीं है, अभी ठंड है, ओस है, इसलिए स्वेटर पहना है। तुम मत बाबू प्लीज बना दो ना। रेनकोट नहीं है बेटा, तेरा खराब हो गया। खराब कैसे? हाँ, फट गया था वो, मैं नहीं लाऊंगी। चिपकली देख के तेरे को देख रही आई। तो मैंने आपको सेम समझाया ना, वही बोला द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया। इट इज अ थ्री कलर फ्लैग विथ कलर सैफ्रॉन वाइट ग्रीन एंड अशोका चक्र एट द सेंटर। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगे, दो बच्चे अभी सो रहे हैं।
तो चीकू मुझे आज बोल रहा था मम्मा आज मैं नहाऊंगा नहीं, पर नहा के खुद ही आ गया। कह रहा मम्मा मैं नहा ही लिया, नहा के बाल ड्राई करा रहा है, बस उसको कंघी कर देती हूँ, हेयर बैंड लगा देती हूँ और भेजती हूँ स्कूल। चीकू जा चुका था स्कूल टाइम से, और उसके बाद जो है मैं अरमान जी के साथ बैठ गई थी, मैं और गोलू, हमने नाश्ता वास्ता किया, बातचीत करी। अब जो है टाइम हो चुका है 12 और मैं जा रही हूँ अभी नहाने, शावर ले लेती हूँ। बच्चे शावर नहीं ले रहे हैं, बच्चों ने अयान मालिश करा के सो गया है, तूबा अभी मालिश करा रही है, उसके बाद होगी जैद की मालिश। आज सबकी जो है नेल फाइलिंग चल रही है, गोलू सबकी नेल फाइल कर रही है। तो यहाँ पे ईयरबड्स से ना कान साफ किए जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से रोज गोलू साफ करती है, और ना रोज बच्चों के कान गंदे निकलते हैं। हो गया मालिश नहीं कराने आपको? हाँ, और गोलू मैंने चीकू को ना सुबह उसका वो जो याद कराना था ना, वो याद कराया था उसे, और आने के बाद उसे दोबारा याद कराना। हाँ क्या है नकू, कुछ चिलाई चिलाई कर लिया। आज मैं डॉक्टर से पूछ के आऊंगी आपके कान कब छिंचवाने हैं, ताकि आपके टाइम से कान छिंच जाए और आप सुंदर सुंदर डायमंड के इयररिंग्स पहन लो। आपकी मासी ने दिए थे ना, पूजा माची ने दिए थे इयररिंग्स पहनने की डायमंड के। अयान को मैंने इस रूम में सुला रखा है, अब मैं क्या करूंगी, नहा के ना इसके साथ ही लेट जाऊंगी, तो थोड़ी देर सोता रहेगा, क्योंकि ये सबसे पहले उठा था जब चीकू स्कूल जा रहा था, तो सबसे पहले अयान ही उठा था, और उसके बाद मालिश करा के अभी सो गया है। तो अगर इसके साथ कोई सोएगा नहीं ना तो ये उठ जाएगा, तो मैं नहा के शावर लेके फटाफट इसके साथ लेट जाती हूँ, ताकि इसकी थोड़ी देर की नींद पूरी हो जाए। उसके बाद मुझे लग रहा है तूबा भी आधे पौने एक घंटे में सो जाएगी। और जाते जाते मुझे पता नहीं लगा, जाते जाते ना वैसे पापा को गुड मॉर्निंग करके पैर छूके गया था, क्योंकि मैं उस साइड चले गई थी उसे रेडी करने के बाद, तो पापा के पैर छूके और गुड मॉर्निंग करके गया, मेरे पास आया, कह रहा मम्मा बाहर से कुछ खरीद लो। मैंने कहा थप्पड़ मारूंगी, तेरी फेवरेट मैक्रोनी बनाई है वही खा लियो चुपचाप। कह रहा ठीक है मम्मा। फिर आया इस तरफ, कह रहा मम्मा मेरी छोटी वाली बॉल। मैंने कहा कोई बॉल नहीं लेके जानी स्कूल में, पढ़ाई करने जाते हो खेलने जाते हो? तो कह रहा ठीक है मम्मा। तो वो चुपचाप चला गया। मैं और गोलू ना बहुत एक्साइटेड है, जब तूबा के कान में हम इयररिंग्स देखेंगे ना, उसके लिए ना मैचिंग ड्रेस भी निकाल रखी, अभी नहीं बताऊंगी क्या निकाल रखी। हम तीनों की मैचिंग ड्रेस हम पहनेंगे जब उसकी एयर प्रेसिंग होगी, दोनों भाइयों को कोट पैंट पहनाऊंगी। तो चीकू भी आ गए स्कूल से, और स्कूल से आते बस उसका टाइम हो गया ट्यूशन जाने का, 2:50 हो गया, तो यहाँ पे शांति उसको खाना खिला रही है। चीकू फटाफट बेटा खाना खाओ और पहुंचो ट्यूशन, ठीक है? ये लो खड़े बेटी। मम्मा बहुत गंदा रहा स्कूल। क्यों बहुत गंदा क्यों रहा? मैम ने मेरे क्रेजी बॉल ले ली। तो बेटा आपकी गलती है ना, क्रेजी बॉल लेके नहीं जाते आपको पता है चीकू, जब हम स्कूल में एडमिशन लेते ना वहाँ पे लिखा होता है क्रेजी बॉल के लिए मना किया था ना, फिर भी ले गए थे। अरे मम्मा वो क्या बोलते, गलती से मेरे बैग में दीदी, गलती से नहीं, मुझे कहता आंटी ढूंढ, यही होगी। चीकू मना किया था ना, क्यों करते ऐसे काम? तो ना पायल ये ना बात चीकू की नहीं है, ये हर एक बच्चे को, जब स्कूल में कोई चीज मना करते हैं, बट बच्चों को ना एक्साइटमेंट पता क्यों रहती है, क्लास में जो बच्चे होते हैं ना उनको दिखाने के लिए कि भाई देख मेरे पास ये है। तो मेरे को भी उस टाइम स्कूल में मना था कि फैंसी नेल पेंट्स लगा के नहीं आना, इयररिंग्स नहीं पहनने, पायल हर स्कूल में मना होता है ना। हमारे स्कूल में तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं था, और मेरे पापा तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि मैं नेल पेंट लगाऊं या फिर मैं फेस पे कुछ लगाऊं या काजल भी लगाऊं। लास्ट खा लो, खा लो। अरे नहीं खा ले, नहीं टाइम दे चुकू, 10 मिनट बचे, चलो बाय 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 बाय, टेक केयर, टेक केयर मम्मा, बैग तो लो आपका, बाय 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 दोस्तों। तो चीकू के जो दोस्त है ना वो वहाँ बैठे, मैं सबको बोलती हूँ भाई जा रहे सारे, बाय करो भाई को, बाय भैया, बाय बड़े भैया, आप अच्छे से पढ़ाई करना, जब हम पढ़ेंगे तो आप हमें पढ़ा दोगे ना, जाओ जाओ आप हमें सिखा दोगे एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो यहाँ पे आ गई है अयान की फ्रेंड अयानिका, अयानू, अयानू आ गई है यहाँ पे। अयानू कहाँ से आई हुआ, अयान कहाँ है बताओ ना। तो एक दिन तूबा का क्लिप जारा लगाती है, तो एक दिन अयानू लगाती है, हन्नी तूबू का है तूबू। तो अभी तूबू और जैद दोनों सो रहे हैं, तो आज मैं और पाल गए हुए थे बाहर किसी काम से, तो बस अभी आए हैं घर पे, और आते देखा तो अयानू जाग रहा था। आपको जो याद करना है सुनाओ, चलो मुझे। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया डिजाइन बाय पिंडी विनक्या, द फ्लैग द ट्राई कलर, द ट्राई कलर फ्लैग, द कलर्स आर सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन एंड अशोका चक्र विद सेंटर। वेरी गुड, एक और लाइन थी, एक और लाइन वो कट करवा दी मैम ने। अच्छा, तो चीकू की ना क्लब एक्टिविटी है, उस क्लब एक्टिविटी के लिए चीकू डायलॉग याद कर रहा है, तो चीकू को अच्छे से याद हो गया, तो उसको सोने से पहले ना मैं एक बार रिवीजन करा दूंगी, मैम ने कहा था इसकी क्लब एक्टिविटी की प्रिपरेशन करा देना, तो अच्छे से जो प्रिपरेशन है वो हो चुकी है। तो गाइस आज मैं ट्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए बेसन का चीला। आपको कल स्कूल में क्या लेके जाना है? बेबी जस्ट सोने के लिए बोल रही, जल्दी बताओ स्कूल में कल क्या लेके जाना है? राजमा पाल, इसके राजमा भिगो दूं? भिगो रखे हैं। नहीं भिगो रखे, भिगो रखे हैं। तो यहाँ पर आंटी ने पहले ही राजमा भिगो के रख दिए थे चीकू के लिए। तो चीकू का ना आज काफी ज्यादा लेट हो गया, ऑलमोस्ट ये लगा 9:50 हो गया, इसके सोने का टाइम हो गया। चीकू पापा को पता चल गया ना, बहुत डांटेंगे। निक्की
इसे खाना खिला, दूध पिला, चीकू खाना खा के सो। इनका सोने को बना बेटा, खाना खा के सो जा। तो जिस दिन आपका कोई नया टॉय आता है ना, उस दिन वो आपका फेवरेट हो जाता है। उसके अगले दिन आपको पता नहीं होता कहाँ वो हॉट व्हील्स की गाड़ियाँ, कहाँ बताना वो हॉट व्हील्स की गाड़ियाँ कहाँ। हाँ, उसमें लंच वाली बॉक्स में रखी थी, फिर पता नहीं किसने कहाँ चुरा ली। कोई नहीं चुराता, इधर उधर जाती चीजें। इधर किसने पाई, पतला ही सही रहेगा क्योंकि मोटा बच्चा खा नहीं पाएंगे, कच्चा पक्का होकर पेट में दर्द होगा, पतला ही पकेगा अच्छे से। ये देख, हाँ ये पक चुका है पूरा। तो कल भी मैं जिम नहीं गई थी, टाइम ही नहीं मिला, बट आज मुझे जिम जाना पड़ेगा क्योंकि एक दिन की छुट्टी होगी, अब स्किप नहीं करूंगी। बड़ी मुश्किल से इंसान मन बनाता है कि रेगुलर जाएगा बट वो जा नहीं पाता, तो बस अभी एक आधे घंटे में जाती हूँ। सही है, अब जिम का फायदा होता है अपने घर के जिम का, कभी भी जा सकती हूँ जब आपको टाइम मिले। तो बस हाफ एन आवर बाद निकलती हूँ, अपना कपड़े चेंज करती हूँ, जाके जिम करके आती हूँ। तो चीकू की डायरी यहाँ पे रखी हुई है, उसने कहा मम्मा मेरी डायरी ना बैग में रख दो, तो बैग में रख देती हूँ। बच्चों को अच्छा लगा चीला, और इस बात की खुशी है देखिए बच्चे खा रहे हैं, क्योंकि होता है ना यार बच्चे ना बोर हो चुके हैं। मैंने जैसे बताया ना, मैं दो तीन दिन से खिचड़ी बना रही हूँ, कल परसों भी दो दिन से बच्चे खिचड़ी शौक से खा ही नहीं रहे हैं। तो फिर वही है ना, फायदा नहीं है ना जो चीज़ बच्चे नहीं खा रहे उस चीज़ को देने का। तो पायल ने ना, पहले मैंने बेसन का चीला कहा था, पर आंटी ने ना बेसन का चीला बनाया था ना, सिर्फ बेसन डाल के बनाया था, बड़ा मोटा मोटा बना कच्चा पक्का। फिर पायल ने बोला इसमें थोड़ी दही डालो, और मैंने बोला इसमें अजवाइन डालो, क्योंकि बेसन में अजवाइन डालेंगे ना डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, और वैसे भी बेसन में हमेशा अजवाइन डलती डलती है, टेस्ट आता है उससे बहुत अच्छा। तो ये वाला चीला बड़ा प्यारा बना है, छोटा सा और सच में मज़ेदार बना है, अच्छा लग रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, और दही है इसके अंदर, मैंने खा के देखा बहुत टेस्टी बना, सॉफ्ट हो गया होगा ना। तो जैद है ना वो बिल्कुल ना पूरा टाइम एक ही नाम जपता रहता है, पा 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 पा, मतलब सुबह शाम रात नींद के अंदर भी ऐसे लगेगा पाप। तो सब मुझे बोलते हैं पापा कितना क्यों करता है, मैंने कहा इसकी जो फर्स्ट मूवी थी ना वो एनिमल थी इसलिए करते रहते हैं पा 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 पा। पायल, मेरे घर आई एक नन्ही परी, छोटी सी परी जो सुंदर। तो गाइस ये एक छोटा सा, बोलते हैं ना कि जब मूवी आने वाली होती है तो ट्रेलर दिखाते हैं, तो ये तूबा की हम करवाने वाले हैं बहुत ही जल्दी ईयर पियर्सिंग, और ईयर पियर्सिंग में तूबा क्या पहनने वाली है ये है उसकी झलक। पूरी लुक दिखाऊंगी ईयर पियर्सिंग वाले व्लॉग में, तो बस थोड़ी सी झलक आप देख लो ताकि आप लोग एक्साइटेड रहो, क्योंकि देखो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, हमारे तीनों लड़की है और तीन लड़कों के बाद हमारे घर में कंजक आई है छोटी सी, तो हम तो भाई अपने लड़कियों वाले जितने भी शौक है सारे पूरे करेंगे, इसको छोटे छोटे एयरिंग्स बनाएंगे, क्लिपू लगाएंगे। तो तूबा ना रोने लग गई अपना सूट देख के, तो ये है तूबा का सूट, तो तूबा बहुत ज्यादा रोने लग गई, कह रही है तूबा मेरे को बोल रही है कि मम्मा सूट दे दो, ये आपका सूट रख लो, रख लो आपका, खुश हो गई, आपका सूट आप ही संभाल के अलमारी में रखो, ठीक है इससे रखवा दे। तो अपना सूट ना देखो इसने हैंगर से कितना टाइट पकड़ रखा है, मतलब इसको ये पता है इसका सूट अभी से गिराना नहीं है। तो एक ये टॉप भी रखा हुआ है जो तूबा ने अभी तक पहना नहीं है, तो ये वाला जो टॉप है ना हम तूबा को पहनाएंगे समर्स के अंदर, बहुत सुंदर टॉप है, इसको साथ जीन्स पहनाएंगे। या किसकी फोग है, मेरी कह रही है ये आपकी है, ये तो यान और जैद की है। नहीं नहीं आपकी आपकी, मैं तो मजाक कर ली थी। तो मैं ना कुछ टाइम पहले बच्चों के लिए ना कवर्स लेकर आई थी, ये तीन बॉटल के कवर इतने ज्यादा सुंदर है ना, पिंक वाला लाई थी तूबा के लिए, ब्लू और रेड है अयान और जैद का, छोटे बॉटल्स के लिए। तो मैंने सोचा कहीं बाहर जाएंगे ना तो ना फैंसी कवर होने चाहिए, तो अभी तक मैंने यूज नहीं करे, कहीं बाहर जाऊंगी ना यूज करूंगी, बहुत ही प्यारे कवर लगे, बहुत सुंदर है। तो गाइस बस पायल चली गई चीकू को सुलाने के लिए, क्योंकि चीकू का कल है स्कूल, तो वैसे भी लेट हो गया था। तो बस इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।